सुप्रभात, सुसंध्या, शुभ रात्रि, सु दोपहर को क्या कहते हैं। तो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मजा में होंगे और स्वागत है आप सभी का कल्पित कथाओं के भाग 10 में, मतलब मिथबस्टर्स। तो आज हम माइनक्राफ्ट की 17 मिथ्स को टेस्ट करने वाले हैं कि ये वर्क करती हैं या फिर किसी ने इन्हें नशा फूंकते हुए लिखा है। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते और फटाफट से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मिथ नंबर 1 ये है कि जावा एडिशन में अगर हम इनविजिबिलिटी का पोशन लेते हैं और फिर एंडरमैन की आंखों में देखते हैं तो वो हमें नहीं मारता। सही में? चलो इसे चेक करते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा एंडरमैन और अब इससे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि अगर गलती से मैंने इसकी आंखों में देख लिया तो ये मेरा क्रियाक्रम यही कर देगा। तो सबसे पहले इनविजिबिलिटी का पोशन ले लेते हैं और अब करते हैं स्मिथ को टेस्ट इन 3, 2, 1। सॉरी, नहीं यार, ये तो अभी भी मार रहा है, यानी ये मिथ काम नहीं करती, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 2 ये है कि अगर हम वर्ल्ड को क्रिएट करने पर सबसे पहली बार जहाँ पर स्पॉन होते हैं, अगर हम उस ब्लॉक से नीचे वॉइड तक पूरा डिग कर दें और फिर मर जाएं, तो अगली बार जब हम रिस्पॉन होंगे तो हम वापस से उस ब्लॉक पर कभी स्पॉन ही नहीं होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम किसी और ब्लॉक पर स्पॉन होंगे, क्योंकि भैया ये मुझे आएंगे, समझ रहे हो ना। तो चलो इसे चेक करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है और हम लोग हो चुके हैं स्पॉन। तो अब फटाफट से नीचे वॉइड तक डिग करते हैं। तो यार ये आ चुका है वॉइड, तो फटाफट से सर्वाइवल में चलते हैं और करते हैं स्मिथ को टेस्ट इन 3, 2, 1। अबे यार, हम तो सही में किसी और ब्लॉक पर स्पॉन हो गए और ज्यादा नहीं, कुछ ही ब्लॉक्स दूर स्पॉन हुए हैं, यानी ये मिथ काम करती है, मिथ कंफर्म्ड। मिथ नंबर 3 है कि हम नेदर के सुअरों के साथ गोल्डन नगेट से भी ट्रेड कर सकते हैं। गोल्डन नगेट से? चेक करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पाताल नगरी नेदर में और ये रहा हमारा सुअर। तो चलो इस मिथ को टेस्ट करते हैं। तो यार इसने नगेट्स तो उठा लिए हैं, देखते क्या देता है। अरे और चाहिए क्या, ये ले गाइस, ये तो बड़ा आराम ही निकला, इसने मेरे इतने सारे नगेट्स ले लिए और दिया कुछ नहीं। यानी ये मिथ काम नहीं करती, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 4 ये है कि वार्डन बोट में नहीं बैठ सकता। ओके, चेक करते हैं। तो ये रहा अपना वार्डन और इसके सामने फालतू में कूदना पड़ता है, वरना ये जमीन में घुस जाता है। खैर, इससे पहले जमीन में घुसे, फटाफट से इस मिथ को टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। आजा भाई, मेरी बोट में बैठ जा। नहीं। बैठ जा यार। नहीं। हाँ गाइस, ये बोट में बैठ ही नहीं रहा, यानी ये मिथ काम करती है, मिथ कंफर्म्ड। वैसे बात भी सही है, भला ये हाथी इस बोट में कैसे बैठेगा, ये तो दब जाएगी यार। अबे साले। मिथ नंबर 5 ये है कि कैमल्स फेंस को भी क्रॉस कर सकते हैं। ओके, चेक करते हैं। सो गाइस, ये रहा अपना ऊंट और ये बड़ा ही आलसी है, हरामी हर 20 सेकंड में नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने फेंस भी लगा दिया है, तो फटाफट से इस मिथ को टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। हाँ यार, ये तो सही में इसे क्रॉस कर ले रहा है, चलो इसकी लंबी टांगे किसी काम तो आई, ये मिथ कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 6 ये है, अगर हम फिश को ग्राउंड पर स्पॉन करेंगे और उसे वाटर ब्रीदिंग का पोशन देंगे तो वो नहीं मरेगी। सही में? चलो इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले फिश को स्पॉन करते हैं और अभी से करते हैं टेस्ट इन 3, 2, 1। अभी तक तो ये टिकी हुई है। लो, दुष्ट प्राणियों, बेचारी को खामखा मरवा दिया। अबे साले, ये मिथ काम नहीं करती, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 7 ये है, अगर हम माइनकार्ट में बैठ के चेस्ट को ओपन करेंगे तो वो हमेशा ओपन ही रहेगी, ऐसा भी होता है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनकार्ट को रखते हैं और चेस्ट को भी रख देते हैं और अब इसे करते हैं टेस्ट इन 3, 2, 1। तो अभी इसे क्लोज करके देखते हैं। अरे ये तो बंद हो गई, एक बार वापस से करते हैं। नहीं गाइस, ये तो बंद हो जा रही है, यानी ये मिथ काम नहीं करती, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 8 ये है, अगर हम शापित किताब को अपने बूट्स पर लगाते हैं और फिर पानी में जाते हैं तो उससे हमें डैमेज मिलता है, मतलब कर्स ऑफ वैनिशिंग। चलो इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसे अपने बूट्स पर लगा लेते हैं और अब करते हैं इसे फटाफट से टेस्ट इन 3, 2, 1। मुझे तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, ये मिथ भी बकवास है, मेरा मतलब ये मिथ भी बस्टेड है। मिथ नंबर 9 ये है कि हम 4 ग्लोस्टोन और एक एरो से स्पेक्ट्रल एरो को क्राफ्ट कर सकते हैं। सही में? चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं और ग्लोस्टोन यूज करना है, ग्लोस्टोन डस्ट, ये तो बताया नहीं। खैर, सबसे पहले ग्लोस्टोन रख के देखते हैं। तो एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो ग्लोस्टोन तो काम नहीं कर रहा, तो ग्लोस्टोन डस्ट रख के देखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं और अरे हाँ यार, ये तो सही में बन गए, मुझे अभी तक लगा था कि ये सिर्फ नेदर में ही मिलते हैं, लेकिन हम इन्हें क्राफ्ट भी कर सकते हैं, ये तो सही है यार, ये मिथ कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 10 ये है, अगर हम चेस्ट के ऊपर सील आंटीन को रखते हैं तो चेस्ट फिर भी ओपन हो जाती है, लेकिन सील आंटीन तो फुल ब्लॉक होता है ना यार, ऐसे कैसे? चेक करते हैं। तो ये रही हमारी चेस्ट, अब इसके ऊपर सील आंटीन को रखते हैं और अब इसे ओपन करके देखते हैं इन 3, 2, 1। हाँ यार, ये तो सही में ओपन हो रही है, मुझे अभी क्या लॉजिक है यार, ये मिथ कन्फर्म्ड है।
मिथ नंबर 11 ये है, अगर हम ओवरवर्ल्ड में एंडरमैन को मारकर एंड डायमेंशन में चले जाएं, तो वहाँ के सारे एंडरमैन हमें मारने लगते हैं। यार फिर से एंडरमैन से पिटना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड पोर्टल बना लेते हैं और अब इसे करते हैं एक्टिवेट और अब एंडरमैन को स्पॉन करते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी सुरक्षा कर ली है क्योंकि वहाँ पर हमारा स्वागत सुताई से होने वाला है, तो कुछ देर तो बचे नहींगे। तो चलो यार अब फटाफट से इसके बजाते हैं और भागो भागो भागो, बस ये मेरे पीछे पीछे वहां ना आ जाए, वरना वो तो और फालतू में मेरे पीछे पड़ जाएंगे। खैर वो तो नहीं आया है, अब ऊपर चल के देखते हैं। हेलो, है क्या कोई यहाँ पर? हाँ भाई, मरेगा तो नहीं? गाइस ये तो नहीं मार रहे, यानी इस बार मैं बच गया, यानी मिथ बस्टेड है। पहली बार कोई मिथ बस्ट होने पे खुश हुआ हूँ। मिथ नंबर 12 ये है, अगर हम अंडर वाटर जाके दो गन्नों को प्लेस करते हैं तो हम उनकी मदद से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन गन्ने पानी के अंदर कब से उगने लग गए यार? तो सबसे पहले दो गन्ने ले लेते हैं और अपने गेम को सर्वाइवल में कर लेते हैं और अभी से करते हैं टेस्ट इन 3, 2, 1। मछली रानी बड़ी सयानी, खैर मैं मछली नहीं हूँ। तो अब अपने बुलबुले भी जाने लगे हैं, तो अभी नहीं करते हैं प्लेस। अभी ये तो सही में प्लेस हो गए, चलो देखते हैं कि वर्क करते हैं नहीं। तो हाँ गाइस ये तो सही में वर्क कर रहे हैं, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। लेकिन यार मुझे लगता है मुझे अब तुम्हें खेती भी सिखानी पड़ेगी। मिथ नंबर 13 ये है कि हम बेडरॉक एडिशन में ग्लास के ऊपर लैडर नहीं लगा सकते। चलो चेक करते हैं। सो गाइस एक बार इसे जावा एडिशन में ट्राई कर लेते हैं कि वर्क करता है नहीं। तो यहाँ पर ग्लास को रखते हैं और अब इसे लगा के देखते हैं। तो यार यहाँ पर तो ये लग रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं बेडरॉक एडिशन में, अब जरा इसे यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये रहा ग्लास और अब इसे करते हैं टेस्ट इन 3, 2, 1। हाँ गाइस यहाँ पर नहीं लग रहा, यानी ये मिथ काम करती है, मिथ कंफर्म्ड। मिथ नंबर 14 ये है, अगर हम थॉर्न्स एन्चेंटमेंट वाले किसी भी आर्मर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं तो वो तब भी काम करता है। ओके ट्राई करते हैं। तो एक ले लेते हैं डायमंड की जेस्ट प्लेट और इस पे लगाते हैं थॉर्न्स और ये रहा आरामी ज़ॉम्बी। तो चलो इस मिथ को टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। एक मिनट, इसे डैमेज कैसे मिल रहा है गाइस? मतलब ये तो सही में काम कर रही है, भले मतलब कि एक आधी बार लग जा रहे हैं, लेकिन यार काम कर रही है, ये मिथ कंफर्म्ड है। लेकिन एक बात बताओ, फायदा क्या है इसका? इससे अच्छा तो पहन ही लो। मिथ नंबर 15 ये है, अगर वार्डन की सोनिक बूम आइस को टच करती है तो वो मेल्ट हो जाती है। ये मिथ सही में काफी बढ़िया लग रही है, इसे चेक करते हैं। तो ये रहा अपना वार्डन और इसके सामने मैंने आइस की बॉल बना दी है और यहाँ पर मैंने आर्मर भी पहन लिया है, प्रिकॉशन भाई। तो चलो इस मिथ को टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। और ये लो अंधेरा भी छा गया, बस मुझे यहाँ पर इससे बचकर जंप करते रहना है। इसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है इसे। ओ भाई यार सोनिक बूम ब्लॉक्स के पार भी जा सकती है क्या? डरा दिया यार इसने। लेकिन गाइस देखें तो आइस तो मेल्ट ही नहीं हुई, जबकि सोनिक बूम तो बीच में से निकली थी। मतलब यार ये मिथ भी बस्टेड है, इस मिथ से मुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मिथ नंबर 16 ये है, अगर हम एक ब्लॉक डिक करके उसके अंदर वाटर को डालें और फिर उसके ऊपर बेड को प्लेस कर दें और बस उसके ऊपर एक बार जंप करें तो हम कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अपने आप ही जंप करते रहेंगे, ऐसा भी होता है? चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक डिक करते हैं और इसके अंदर डालते हैं वाटर और अब लगाते हैं इसके ऊपर बेड, तो बस अब एक बार जंप करना है। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। ये तो कहीं भी जंप नहीं कर रहा, एक बार वापस ट्राई करते हैं। नहीं गाइस ये तो कहीं भी जंप नहीं कर रहा, यानी ये मिथ काम नहीं करती, ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 17 ये है कि जावा एडिशन में हम एंड क्रिस्टल को भी स्पेक्टेट कर सकते हैं। एक मिनट, क्या एंड क्रिस्टल? चलो चेक करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं जावा एडिशन में, वैसे पहले भी हम जावा में ही थे। खैर छोड़ो, मिथ को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड क्रिस्टल को स्पॉन करते हैं और अब चलते हैं स्पेक्टेटर में और करते हैं इसे टेस्ट इन 3, 2, 1। मतलब यार कुछ भी, मुझे क्या चल रहा है ये? अब ये कहाँ से प्राणी लग रहा है तुम्हें? ये मिथ कंफर्म्ड है। तो चलो गाइस आज के कार्यक्रम को करते हैं बस यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे नहीं होता है सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में घंटी आ रही होगी उसे भी ऑन कर लेना, सब पता है आपको, जल्दी से कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो पे रखते हैं 2500 लाइक्स का टारगेट, थोड़े ज्यादा है लेकिन आप लोग कर दोगे, है ना? नहीं। और रुको रुको, डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, कोई कर ही नहीं रहा यार। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं एंड टेक केयर, गुड बाय।